एक बार फिर स्वागत है आप ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग के अंदर। और आज हम सीखेंगे इसके अंदर कि कैट डाटा टाइप और फ्लोट डाटा टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं हम प्रोग्राम के अंदर, और किस तरीके से हम उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप जाके मुझे आस्क कर सकते हैं, ओके। और किसी प्रॉब्लम किसी तरह की प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होती है कोडिंग में तो आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको सारी समस्याओं को ए टू जेड को दूर करूँगा। तो आज हम सीखते हैं कैट डेटा टाइप और प्लस फ्लोट डेटा टाइप कैसे यूज़ करेंगे, ओके। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जो हमारा कैट डेटा टाइप होता है वो सिंगल ए जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ए टू जेड स्मॉल कैपिटल और अदर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं सिंगल को यूज़ करने के लिए एक्चुअली हम कैट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता दूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें सारे ये जो होते हैं ये आपके कैरेक्टर ही होते हैं, तो ये सिंगल जो है इनके लिए यूज़ करने के लिए हम कैट डेटा टाइप सी एच ए आर कैर का यूज़ करते हैं। और जो फ्लोट होते हैं फ्लोट हम जो प्रिसिशन पॉइंट्स होते हैं नहीं कि पॉइंट में कि 2.78897 समथिंग, तो इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती है उनको हैंडल करने के लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, ओके। तो कैट डेटा टाइप होता है उसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं परसेंटेज सी का यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे, और जो फ्लोट होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एफ का, तो परसेंटेज एफ। तो आइए इसको यूज़ करते हैं सिंपल से तरीके से, इनको हम सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कैर हमने लिया एक और यहाँ पे सी ले लिया वेरिएबल का नेम, तो देन उसके बाद हमने एक फ्लोट लिया और उसका नाम रख दिया एफ, ओके। सो नाउ क्लियर स्क्रीन करेंगे यहाँ पे, और क्लियर स्क्रीन के बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम अगर डायरेक्ट इनपुट नहीं करवाते, अगर मान लेते हैं चलो पहले इनपुट करवा लेते हैं प्रिंट एफ पर हमने, और प्रिंट एफ करके यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ कैर, ओके सॉरी ओके एंड देन स्कैन एफ, तो परसेंटेज सी और एम परसेंट सी, ओके। अब हम एक बार इसे प्रिंट करवा लेते हैं, तो प्रिंट एफ करा हमने एंड देन परसेंटेज सी और वेरिएबल का नेम भी हमने सी रखा है। अब इसे एक बार रन करते हैं, कंपाइल करते हैं एंड देन रन करते हैं, ओके। तो एंटर द करेक्टर वो आपसे बोल रहे हैं, मैं कोई सी भी एक वैल्यू एंटर करवाता हूँ, इट मीन्स चाहे वो ए टू जेड हो स्मॉल कैपिटल एंड देन स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हो तो ही हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो जैसे आपने डी लिया एंटर कर दिया तो डी को प्रिंट कर दिया, तो इस तरीके से ही हैंडल हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पे फ्लॉट, तो यहीं पे हम क्या करेंगे प्रिंट एफ करवा लेते हैं एंटर द फ्लॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू। अब इसे स्कैन एफ करेंगे, जब हम स्कैन एफ कर रहे हैं तो परसेंटेज इसे एफ से लेंगे प्लॉट इट मीन्स एम परसेंट, और इसे भी एफ में ही स्टोर करवा रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पे इसे प्रिंट करवा लेंगे, तो प्रिंट एफ परसेंटेज एफ डबल कोट कोमा एफ सॉरी दिस, तो अभी कंपाइल करते हैं इसे और कंट्रोल एफ नाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एंटर द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे वाई दे दिया, ओके। अब फ्लोट वैल्यू एंटर करने के लिए आपने यहाँ पे एक रन टाइम एरर देखी है, मैं उसके रिलेटेड पे आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते समय ये चीज़ें कभी भी किसी तरीके से बुक में मेंशन नहीं होती है, किस तरीके की कुछ एरर आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ओके। तो इसके तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको एक दो मेथड इसमें बताऊंगा इस तरीके की समस्या से बचने के लिए। तो एक बार फिर दोबारा इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करना चाहेंगे। आप देखिए कंट्रोल एफ9 में डायरेक्ट कर दिया, तो वैल्यू मैंने टी दबाई एंड देन वो फ्लोट वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने 6.7 यहाँ पे प्रेस करा और एंटर कर दिया, तो वो टी के साथ 6.77 ले रहा है। आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे कि 6 पॉइंट के बाद वो एक्चुअली मैंने सिर्फ 7 दिया था, उसके बाद वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 तक की वैल्यू है वो ले रहा है यहाँ पे। तो ये 7 पॉइंट तक की 6 पॉइंट तक की जो वैल्यू है ये लेता है सेल्फ। आप इसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो जाती है पॉइंट से इससे ऊपर हो जाती है तो हम तब लेते हैं डबल एक्चुअली, ओके। सो अब हम क्या करते हैं इसे यहाँ पे
2.2 कर देते हैं और अब इसे हम अगेन कंपाइल और रन करते हैं एक बार। अब देखिए ज़रा मैंने यहाँ पे क्या करा, फिर अगेन मैंने टी लिया और फिर वैल्यू मांग रहा है मेरे से वो 5.6 मैंने ली, तो वो 5.60 दे रहा है। एक्चुअली मैंने उसे बोला कि जो इंटीजर वैल्यू है उसमें सिर्फ टू ही पॉइंट्स तक ही वैल्यू रीड करे, तो उसने 2.2f का मतलब यहाँ पे समझा कि सिर्फ दो ही वैल्यू रीड करनी है पॉइंट के बाद की एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये रीड करा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता, एक तो ये लगा कि एक्चुअली हम कैरेक्टर्स और फ्लॉट किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 6 पॉइंट तक की वैल्यू लेता है। अगर उसमें हम चाहते हैं कि वो सिर्फ इतनी ही वैल्यू पॉइंट के बाद ले जो हम देखना चाहते हैं, तो प्रिंट एफ के अंदर हमें ये स्पेशली परसेंटेज एफ के बीच में लिखना पड़ता है, 2.2, 2.3, 2.5 इस तरीके से, तो देन वो उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ तक की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे हम दोबारा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से इसके अंदर कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नेक्स्ट डे, बाय, फिर मिलते हैं।